नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। खूबसूरत महिलाएं किसी भी फंक्शन की, किसी भी समारोह की, किसी भी पार्टी की शान बन जाती हैं। जितनी ज्यादा खूबसूरत महिलाएं लगेंगी उनको उतना ही लोग देखना पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है। और हर लड़की चाहती है कि वो खूबसूरत हो। मैं भी चाहती हूं कि खूबसूरत लगूं ताकि लोग मुझे देखें, अप्रिशिएट करें, सुंदरता की तारीफ करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सुंदरता किसी पर भारी भी पड़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल आप सभी को मालूम है कि पेरिस ओलंपिक्स में हर दिन इस समय अलग से अलग खबरें, एक से बढ़कर एक खबरें सामने आ रही हैं। और इसी दौरान एक महिला खिलाड़ी जो कि तैराक है, उसकी सुंदरता उसकी किस्मत पर, उसके खेल पर भारी पड़ गई। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं, इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि वहां पर मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, ये कहकर कि वो महिला इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उनका ध्यान भटक रहा है। जरा सोचिए, जो महिला लंबे समय तक प्रैक्टिस करती आ रही हैं, स्विमर हैं, तैराक हैं और पेरिस पहुंची हुई थी ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए, और जिस विलेज में वो रुकी हुई थी वहां पर लगातार उन्हें देखा जा रहा था, आसपास के जो और अन्य खिलाड़ी थे उनको देख रहे थे। अप्रिसिएशन मिलना और तारीफें मिलना ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी सुंदरता के कारण अगर आपके खिलाफ शिकायत जाती है और उस शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है और उस गंभीरता के बाद से आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है, यहां तक कि आपको ओलंपिक जैसी गेम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और आपको ये कह दिया जाता है कि आप इस गेम को छोड़कर बिल्कुल अपने देश वापस चली जाएं, अपने घर वापस चली जाएं, तो जरा सोचिए आपके साथ कैसा, आपको क्या लगेगा, क्योंकि ये एक महिला तैराक के साथ हुआ है। पूरा मामला है खेलों के इस महाकुंभ में, एक ये जो मामला सामने आया बहुत ही हैरान करने वाला है। जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई हैं, वो जरूर अपना एक ओपिनियन रखें कि आखिरकार क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है। दरअसल एक महिला खिलाड़ी है जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत है, पेरिस ओलंपिक से उन्हें वापस भेज दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यह कह दिया गया कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है और इस वजह से जो अन्य खिलाड़ी हैं उनका ध्यान भटक रहा है और इस वजह से उन्हें ये गेम छोड़कर जाना पड़ेगा। और उस महिला तैराक को गेम छोड़कर जाना पड़ा, उनसे विलेज खाली करवा दिया गया। आपको ये भी बता दें कि 20 साल की तैराक लुआना अलोंसो इनका नाम है, जो कि बहुत खूबसूरत हैं, ओलंपिक में पहुंची हुई थी और महिला खिलाड़ी हैं, जाहिर से बात है बहुत सुंदर हैं, तो लोग उन्हें देख ही रहे थे और जब उन्हें देखा जा रहा था तो उनकी तारीफ भी एक तरफ हो रही थी, दूसरी तरफ उनका ध्यान भटकाने वाला जो एक रूमर फैला, लेकिन वो एक हद तक धीरे 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 सही साबित होने लगा और उसके बाद उस महिला खिलाड़ी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया, ओलंपिक छोड़कर वापस अपने देश जाने के लिए बोल दिया गया, और ओलंपिक में भाग लेने पहुंचे पैराग्वे के कुछ खिलाड़ियों ने अधिकारियों से लुआना की सुंदरता को लेकर शिकायत की थी। उनका ये कहना था कि लुआना अलोंसो इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि उनका ध्यान भटक रहा है, वो लगातार लुआना अलोंसो को देखते ही रह जाते हैं और कई बार उनका ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता है, यानी कि कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है और यही कारण है कि वो मेडल से चूक भी सकते हैं। आप ये आगे की बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आगे क्या हुआ। दरअसल पैराग्वे के कुछ खिलाड़ियों की शिकायत के बाद जब अधिकारियों ने देखा, लुआना अलोंसो को देखा, तो उन्होंने भी इस बात को सच माना, क्योंकि उनका खुद भी ध्यान भटक रहा था। उन्होंने ये सच माना कि वाकई में लुआना अलोंसो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि किसी भी खिलाड़ी का ध्यान भटक सकता है और जो खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो मेडल से चूक सकते हैं, और उन्होंने बाकायदा इसकी शिकायत ओलंपिक जो अथॉरिटी उनसे की। और इस शिकायत दर्ज कराने के बाद जब अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर ध्यान दिया तो ये बिल्कुल सही पाया, और इस एथलीट की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो ध्यान भटका सकती है, ध्यान भटकाने वाली सुंदरता इस एथलीट की, जिसका नाम लुआना अलोंसो है। और पैराग्वे के खिलाड़ियों को के साथ जो अधिकारी और मौजूद थे उन्होंने भी इस बात पर सहमति जता दी है कि उनका भी ध्यान भटक रहा है। अगर खेल पर ध्यान नहीं लगा तो मेडल से चूक सकते हमारे खिलाड़ी, और इस डर के कारण जब ये शिकायत की गई है तो ओलंपिक छोड़कर बाहर का रास्ता लुआना अलोंसो को दिखा दिया गया
और ये बहुत ही अजीब थोड़ी घटना हुई है, क्योंकि कई बार जो एक 20 साल की लड़की लगातार मेहनत कर रही है, ओलंपिक्स में जाकर अपना हुनर दिखाने की कोशिश कर रही है, अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाने की कोशिश कर रही है, लगातार उसने इतना अभ्यास किया तैराकी में बचपन से लेकर 20 साल की उम्र तक में, और उसके बाद आखिरी दौर में जो उसकी सबसे ज्यादा खूबसूरत यानी कि वो बहुत सुंदर है, सिर्फ ये कहकर उन्हें उस ओलंपिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि बाकी खिलाड़ी मेडल पाने से चूक सकते हैं क्योंकि उनकी सुंदरता से वो भटक रहे हैं, ध्यान भटक रहा है, तो वाकई में हैरान करने वाली है। एक बात और है, आपने सुना होगा नाचना भी आंगन टेढ़ा, यानी कि जिसको नाचना नहीं आता उसके लिए तो आंगन टेढ़ा हो जाता है, ऐसे ही कुछ यहां पर भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन खिलाड़ियों का खुद के गेम पर ध्यान केंद्रित नहीं है और वो लुआना अलोंसो की शिकायत करके उसे ओलंपिक जैसे गेम से बाहर करवा दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर अथॉरिटी ने एक्शन लिया और उन्हें तुरंत उनके विलेज भेज दिया गया, विलेज खाली करवा के उनके देश भेज दिया गया, ये थोड़ा चौंकाने वाला मामला है। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या इस पर राय है, क्या जो जिम्मेदार वहां पर अधिकारी थे उन्होंने जिस तरीके से इसकी शिकायत पर खिलाड़ियों की शिकायत पर पुष्टि की, उन्होंने अपना भी अनुभव साझा किया कि हाँ ये खिलाड़ियों का ध्यान भटकाने वाली खूबसूरती है, इन्हें इस गेम से बाहर होना चाहिए ताकि बाकी खिलाड़ी इस वजह से मेडल पाने से ना चूक जाएं, तो जरा आप सोचिए क्या ये सही है। अगर ये आपको लगता है कि सही है तो भी आप अपनी सहमति इस पर जताएं, और अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल गलत है तो भी आप इस पर अपनी सहमति जताएं। आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये बताएं, अपना मत रखें कि लुआना अलोंसो की खूबसूरती के कारण क्या उसे ओलंपिक से बाहर जाना चाहिए था या नहीं, या फिर अथॉरिटी ने जो निर्णय लिया और उन्हें इस गेम को छोड़कर गेम से बाहर कर दिया गया, उनको अपने देश जाने के लिए कह दिया गया, विलेज खाली करवा दिया गया शिकायत के तुरंत बाद, क्या ये सही था उस 20 साल की महिला खिलाड़ी लुआना अलोंसो के साथ। एक लड़की जब कोई सपना लेकर जाती है अपने देश का नाम रोशन करने के लिए तो ढेर सारे सपनों के साथ बहुत सारी उम्मीदें भी रहती हैं, लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो उसका अंदाजा आप जरा लगाइए कि कैसा होता होगा। हालांकि ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला पूरा मामला है, पेरिस ओलंपिक के दौरान इन दिनों लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो वाकई में चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग मामला सामने आया था कि एक महिला एथलीट को उसकी खूबसूरती के कारण गेम छोड़कर अपने देश वापस जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाकी खिलाड़ी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे और वो मेडल पाने से चूक सकते थे, इस वजह से एक 20 साल की लड़की को गेम छोड़कर जाना पड़ा। जरूर बताइएगा क्या ये सही था गलत था, अपनी सहमति अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। खास तौर पर मैं महिलाओं से, जितनी भी महिलाएं हैं जो फीमेल्स हैं जो देख रही हैं, उनके मत को जरूर जानना चाहेंगे हम कि आखिरकार वो क्या सोचती हैं, क्योंकि हर लड़की चाहती है वो खूबसूरत हो और हर लड़की चाहती है कि वो बहुत खूबसूरत लगे। जरूर बताइए और लगातार तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।